स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एंड फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले एक रिचार्जेबल पोर्टेबल फ़ैन, तो इसे कैसे बनाएंगे कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर मैंने बताया है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है एंड इसे इसकी बॉडी को बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। जो आप घरों में यूज करते हो पीवीसी पाइप, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। एंड 2 इंची के अप्रोक्स मैंने इस टाइप का कटिंग कर लिया है। एंड उसके बाद इस एक मैंने पीवीसी शीट लिया है जिस पे मैं गोल सर्कल बनाया हूँ। तो 2 गोल सर्कल मैं बनाया हूँ इस पीवीसी पाइप के दोनों साइड्स को लगाने के लिए। तो इसको कटिंग कर लेंगे, एक कैंची की मदद से आप कट इन कर सकते हो इसको। एंड इसको कट करके इस गोल्ड सर्कल को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप कट कर लेना, थोड़ा हेवी होता है तो आप अच्छे से इसे कट इन कर लेना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन कॉल पर सेट करके, तो आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से 2 सर्कल मैंने बना लिया है, कुछ इस टाइप से बनाया है मैंने। एंड इस पे इसको चिपकाएंगे फेविक्विक के मदद से, आप इजीली इसको चिपका सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। तो आप लोग सपोर्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। एंड मैंने लिया है 5 वोल्ट चार्जिंग सर्किट बोर्ड जिसमें BMS इनबिल्ड होता है। एंड आपका बैटरी फुल होने पर इसमें ब्लू कलर का LED ब्लिंक करने लगेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो इसका ऑनलाइन बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप अपना लोकल मार्केट में ट्राई करना, क्योंकि लोकल प्राइस आपको काफ़ी अच्छे में चिपेस्ट प्राइस में मिल जाती है। एंड उसके बाद आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो। तो ये 1850 लैपटॉप की बैटरी मैंने लिया है जो कि 2200 mAh की है। तो 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। तो इस पर इसकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया मैंने। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल पे एंड नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया गया। तो उसके बाद इसका जो वायर है बैटरी का, तो डायरेक्ट ये सर्किट पे कनेक्ट करेंगे। तो सर्किट पे पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट कर देंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव पे कनेक्ट कर दिया हूँ एंड पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद आउटपुट के लिए मैंने 2 वायर लिया है फिर से। एंड इस सर्किट पे आउटपुट माइनस आउटपुट प्लस लिखा होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ, आउटपुट वाले कनेक्शन कर दिया हूँ। एंड कुछ इस तरीके से इसको चिपका देंगे, तो आप किसी भी चीज़ों से चिपका सकते हो। मैं फ़िलहाल फेविक्विक की मदद से इसको चिपकाएंगे, तो काफ़ी अच्छे से चिपक जाता है ये। तो कुछ इस तरीके से आपको चिपका लेना है फेविक्विक की मदद से। तो इस तरीके से मैंने इसको चिपका लिया है एंड कुछ इस प्रकार से इसको जो बैटरी है उसको भी मैंने चिपका लिया है। एंड ये आउटपुट का वायर है, तो आउटपुट का वायर में एक स्विच मैंने लगाऊंगा, तो एक STHA स्विच ऑन ऑफ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया था पहले ही, तो आपको स्विच कुछ इस तरीके से लगा देना है। एंड किसी भी वायर को कट करके इस स्विच पे आप लगा सकते हो। तो जैसा कि मैं यह ब्लैक कलर की वायर को कट करके एंड इस स्विच पे कनेक्शन करेंगे, तो स्विच का कनेक्शन काफ़ी सिंपल है एंड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का कोशिश किया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दो बार प्ले करके देख लेना। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया है एंड उसके बाद ये स्विच के दोनों टर्मिनल पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है एंड बहुत ही सिंपली कनेक्शन है। तो वीडियो को अच्छे से देखना, आपको सभी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने इसका कनेक्शन किया है। उसके बाद मैंने छोटा सा एक होल किया था, इसके अंदर से दोनों वायर को निकाल लेंगे। एंड इसको कुछ इस तरीके से मैंने इसमें मोटर फंसाने के लिए इसको बनाया है। तो मैं इस तरीके का एक मोटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि आप इलेक्ट्रिक शॉप से इजीली परचेज कर सकते हो या किसी भी ख़राब DVD से निकाल सकते हो। तो ये 3 वोल्ट से चलने वाली एक मोटर है, तो ये काफ़ी स्पीड मोटर चलता है। एंड उसके बाद मैंने PVC का कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, तो इसमें नट बोल्ट लगाएंगे। तो एक नट बोल्ट लिया मैंने 1/2 इंची का एंड कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा दूंगा एंड उसके बाद इसमें नट बोल्ट को टाइट कर दूंगा अच्छे से। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना एंड चैनल पर काफ़ी बैकग्राउंड आ रहा है, तो इस वीडियो पे सॉरी वीडियो पे। तो अच्छे से आप इसको टाइट कर लेना है, कुछ इस तरीके से मैंने इसको टाइट कर दिया हूँ, तो ये एडजस्ट करने का काम आएगा। तो इसको इसके ऊपर के पॉइंट पे चिपकाएंगे अच्छे से।
तो कुछ इस तरीके से इस बेस पे चिपका दिया हूँ मैं इस फेविक्विक की मदद से। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे चिपका दिया हूँ एंड उसके बाद जो आउटपुट वाली वायर है तो मोटर के दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को और पॉजिटिव टर्मिनल को। तो कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है, जो कि ये दोनों पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे मोटर के दोनों टर्मिनल पे। तो नेगेटिव वायर को नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव वायर को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्शन को बहुत ही सिंपल है एंड आप इस तरीके से कनेक्शन करके आप इजीली रिचार्जेबल एक फ़ैन बना सकते हो, जो कि पोर्टेबल फ़ैन है एंड काफ़ी अच्छा इसका पावर बैक है, जो कि बैकअप भी काफ़ी अच्छा देता है ये। तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव पे मैंने कनेक्ट कर दिया हूँ एंड उसके बाद इसमें मैं एक फ़ैन लगा दिया हूँ। कुछ इस तरीके से ये बनकर रेडी हो चुका है एंड काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है। तो आपको वीडियो में देख सकते हो कितनी स्पीड चल रही है। फ़िलहाल मैं कुछ इस तरीके से इसको बना करके रेडी कर लिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना एंड चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।